मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने एक वीडियो मैंने इस चैनल पर एक वीडियो आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें हम एसएससी से ये डिमांड करेंगे कि वो हमारी डिमांड्स को फुलफिल करें, यानी हमारे रिजल्ट के बारे में कुछ भी एटलीस्ट नोटिस पब्लिश करें। जैसा कि उन्होंने पिछली नोटिस में बताया था कि वो 18 तारीख को अपना जो डिसीजन है उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि रिजल्ट उन्हें कब पब्लिश करना है। तो एसएससी ने अपनी एकदम लेटेस्ट नोटिस अपडेट कर दिया है, आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये उन्होंने अपनी रिसेंट नोटिस पब्लिश किया हुआ है, दिस इज अ नोटिस। तो इस नोटिस में लिखा हुआ है कि सिंपली कि कीपिंग इन द व्यू ऑफ कंटिन्यूम ऑफ द जो ये उन्होंने नोटिस दिखाई हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि सिचुएशन को वो 1/6/2020 यानी 1 जून 2020 को रिव्यू करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि आगे क्या किया जाना है। तो और कह रहे हैं कि आगे आप वेबसाइट को देखते रहिए। तो बहुत ही घटिया सा, बहुत ही खराब सा इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो रिस्पॉन्स दिया है कि वो उनका कहना है कि वो 1 जून को सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे कि उन्हें क्या करना है, आगे रिजल्ट कब होगा। तो इसके रिगार्डिंग मेरी जो आप सभी से एक सजेशन होगा वो यही होगा कि जैसे हमने आज सुबह एक ट्विटर कैंपेन किया था, जिसमें हमने एसएससी से डिमांड किया था कि रिजल्ट को पब्लिश किया जाए, इसी चीज़ के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना @अमन त्रिवेदी, वहाँ पर आप सब लोग जुड़ जाइए और डिसाइड कीजिए। हम एक नया एक ग्रुप भी बना लेंगे, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। मेल आईडी मेरा है aman.ssementor@gmail.com। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि एसएससी से ये डिमांड कर पाएं कि हमारे रिजल्ट को जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। क्योंकि देखो, अगर आप चाहे सीजल 18 की तैयारी कर, चाहे आप सीजल 19 की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजल 20 की तैयारी कर रहे हो, जब तक पिछला एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आगे का रिजल्ट नहीं पब्लिश होगा। इसलिए इस बात को अच्छे से समझिए कि अगर आप आगे के एग्जाम्स टाइम पर कंडक्ट करवाना चाहते हो तो एसएससी से डिमांड करो कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश करें। लॉकडाउन का मतलब दुनिया रुकी नहीं है, इवन लॉकडाउन 4.0 तो में तो काम शुरू हो गया है, ज्यादातर ऑफिसेस काम कर रहे हैं, उसके बावजूद एसएससी ने अभी तक इतना बकवास सा नोटिस दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 1 जून को वो सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और उसके बाद वो बताएंगे वो क्या करना है। तो ऐसे में ये बहुत ही एकदम ढीला ढवाई, एकदम सरकारी टाइप का जो रवैया है वो उन्होंने अपना लिया है, तो ये गलत है। आप सिंपली क्या करिए, टेलीग्राम वगैरह पे आप जुड़ जाइए, मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, मैं एक ग्रुप बना दूंगा जिसमें हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको ये मूवमेंट ड्राइव करना है कि आप किस तरीके से अपने रिजल्ट को जल्द से जल्द पब्लिश करवा पाए। तो ये तो आपके लिए होगी। दूसरी बात, तो उसमें आप ये डिमांड करो, चाहे आप सीजल 19 के एस्पायरेंट हो चाहे 20 के, कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश करो सीजल 2018 का, क्योंकि जितनी जल्दी सीजल 18 का रिजल्ट पब्लिश होगा उतने ही जल्दी सीजल 2019 का मेंस कंडक्ट होगा और उसका भी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। क्योंकि मानते हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप रिजल्ट नहीं पब्लिश कर सकते हो। रिजल्ट पब्लिश करने के लिए आपकी इंटरनल टीम लगेगी, कोई पब्लिक गैदरिंग होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो इंटरनल टीम को काम पर लगाकर आप रिजल्ट पब्लिश एटलीस्ट कर सकते हैं उस रिजल्ट एग्जाम का जिसका टीयर 3 आपने दिसंबर में ले लिया है। सो इट्स बीन 6 मंथ्स नाउ, आपको चाहिए कि आप उनसे डिमांड करें कि आप रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश करें। तो उसके लिए मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे ज्वाइन करके आप फिर से मूवमेंट ड्राइव करिए और डिसाइड करिए कि आप क्या हैशटैग यूज करेंगे और किस तरीके से आगे की डिमांड को अपने रखेंगे। ठीक है, तो ये तो थी आज की नोटिस, ये अभी तक के लिए हमने इस वीडियो में बात करी जो नोटिस एसएससी ने पब्लिश की थी। और आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, वीडियो को शेयर करो जिससे कि बाकी लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि आप लोग ऐसा कुछ चाहते हैं और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो शेयर करिए वीडियो को, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए, वहां पर मैं ग्रुप बना देता हूं जहां पर आप इस बारे में बात कर सकते हैं और इस पूरे डिस्कशन को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जितना बताया पसंद आया तो लाइक करिए और बाकी के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।